अब हो जाइए तैयार, अब से कुछ समय के बाद आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है। प्लेऑफ के लिए तीन टीम तैयार है और आज चौथी टीम का इंतजार है। कौन वो टीम होगी? क्या आरसीबी होगी या फिर चेन्नई सुपर किंग्स होगी? कुछ ही समय बाद सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मैच शुरू होने वाला है, लेकिन आज बारिश की भी आशंका है। कहीं आज 11 साल पहले वाला वाकया ना दोहरा जाए। क्या आईपीएल में 11 साल पहले की कहानी है, वो भी आपको बताएंगे। और आज कौन किस पर भारी है, सब कुछ बताएंगे। एक एक आंकड़े से समझाएंगे कि आज कौन मैदान मार सकता है। वही तारीख, वही दिन और उसी जगह। क्या बारिश बिगाड़ देगी खेल? हैवी रेन का अलर्ट, बाजी न जाए पलट। आरसीबी या सीएसके, आज का किंग कौन? सोच रहे होंगे कि आखिर किस तारीख की बात हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस दिन और किस जगह की बात हो रही है। आखिर उस तारीख, दिन और जगह से आज के मैच का क्या कनेक्शन है? क्यों कह रहे हैं कि कहीं आरसीबी बाजी न पलट दे? तो चलिए आज के मैच से पहले उस कनेक्शन को देखते हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि कहीं आरसीबी चेन्नई का खेल न बिगाड़ दे। तारीख 18 मई, दिन शनिवार, स्टेडियम एम चिन्नास्वामी, साल 2013। ये वो दिन था जब 11 साल पहले आरसीबी ने ऐसे भी बारिश वाले हालात में पासा पलट दिया था और बारिश की वजह से 8-8 ओवर के मैच में जीत दर्ज की थी। आज भी आईपीएल 2024 में भी तारीख 18 मई ही है, दिन भी शनिवार का, विरोधी भी दोनों वही और फिर से उसी ग्राउंड पर मैच भी है। सवाल है तो क्या बारिश भी वैसे ही खलल डालने आएगी? हालांकि एक्यूवेदर के मुताबिक बेंगलुरु में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। रात 11 बजे से बारिश की संभावना है, लेकिन ये बारिश कुदरत की देन है। कुदरत कब क्या कर दे कह नहीं सकते। खैर, ये तो मौसम की बात हो गई, अब बात आज के मैच की। कौन टीम भारी है और आज किसके हाथ लगने वाली है जीत की बाजी? आज प्लेऑफ की चौथी टीम का फैसला होगा। आमने सामने है धोनी और विराट। तो सबसे पहले उन आंकड़ों को देखिए जो ये कहते हैं कि चेन्नई के खिलाड़ी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, मैच 13 रन 583। शिवम दुबे, मैच 13 रन 389। तुषार देशपांडे, मैच 12 विकेट 16। ये वो खिलाड़ी हैं जिसकी बदौलत चेन्नई यहाँ तक पहुंची है, लेकिन उन खिलाड़ियों को नहीं भूल सकते जिन्होंने हैरान किया है। बात सिमरजीत सिंह की, जिसे मौका मिलते ही वो बल्लेबाजों पर कहर बनकर बरसे। डैरिल मिचेल, जो गेंदबाजों की धज्जियां बिखेर रहे हैं। एमएस धोनी, जिनके मैदान में आते ही विपक्षी बॉलर लाइन लेंथ भूल जाते हैं। ये तो चेन्नई के धुरंधर हो गए। अब बात आरसीबी की, आखिर वो कौन खिलाड़ी हैं जिनकी बदौलत आज बेंगलुरु मैच जीतने का मादा रखता है? विराट कोहली, मैच 13 रन 661। फाफ डू प्लेसिस, मैच 13 रन 367। यश दयाल, मैच 12 विकेट 13। ये तीनों ही नहीं बल्कि दिनेश कार्तिक भी हैं जो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। विल जैक्स भी हैं जो छक्कों और चौकों की बरसात करते हैं। कप्तान फाफ डू प्लेसिस भी हैं जो मैदान पर रह गए तो कहर बनकर बरसते हैं। खास बात तो यह है कि आरसीबी के लिए आज पॉजिटिव पॉइंट है। आज का मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड यानी चिन्नास्वामी स्टेडियम में है, जहां बेंगलुरु का दबदबा है। क्या है यहां के आंकड़े समझिए। बल्लेबाजों के लिए मददगार, आईपीएल मैच 94, पहले बल्लेबाजी वाली टीम जीती 40 मैच, रन चेज करने वाली टीम जीती 50 मैच। ये बेंगलुरु के लिए प्लस पॉइंट है, आज वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। लेकिन एक आंकड़े वो भी है जो ये कह रहे हैं कि चेन्नई बेंगलुरु पर हावी है। क्या है वो आंकड़े समझिए। हेड टू हेड में चेन्नई बेंगलुरु पर भारी है। दोनों के बीच अब तक 32 आईपीएल मैच खेले गए, इनमें से 11 मैच में बेंगलुरु और 21 चेन्नई ने जीते, जबकि एक मैच का रिजल्ट नहीं निकल सका। वहीं दोनों टीमें चिन्नास्वामी स्टेडियम में 10 बार भिड़ी, जिसमें 5 मैच चेन्नई ने और 4 मैच बेंगलुरु ने जीता, एक मैच बेनतीजा रहा। तो बेंगलुरु के लिए होम ग्राउंड मजबूत पक्ष है, तो चेन्नई के लिए दोनों के बीच खेले गए मैच के आंकड़े। अब देखना है कि आज क्या कुछ होता है। हाई वोल्टेज मैच में कौन किस पर भारी रहता है, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आरसीबी को 18 रनों से ज्यादा से जीत चाहिए, तो चेन्नई कम अंतर से हार कर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और सहयोगी अमृत आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत आनंद के पास आपको लिए चलेंगे इस चुनाव इस मैच को लेकर, उनसे हम चर्चा करेंगे। आपको नजर आ रहे होंगे वो। अमृत, बड़ा दिलचस्प एक संयोग भी है, बड़ा हाई वोल्टेज आज का ये मैच भी है, इन सब के बीच बारिश भी है, क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं? जी अमृत। देखिए बस मैं ललित यही कहना चाहूंगा कि दोनों हाथ जोड़कर फैंस दुआ करें कि जो आज वो देखना चाह रहे हैं, एक तरफ किंग कोहली, विराट कोहली को उनके ग्राउंड पर उनकी धमाकेदार पारी, दूसरी तरफ वो देखना चाहेंगे MS धोनी, जिन पर ये सवाल है कि क्या ये MS धोनी का आखिरी सीजन है या धोनी अगले साल फिर खेलेंगे। इस पे देखिए अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन बना हुआ है। तो इन चीजों को हटाएं तो देखना ये है कि दो टीमें ऐसी हैं जिसको जिसके लिए जीत बहुत जरूरी है, उनके लिए आज हार मत का मतलब बनता नहीं है। हार का मतलब है सब कुछ खत्म, और अगर जीतते हैं तो उम्मीद का दिया जलता रहेगा। लेकिन यहां पर मैं कहूं कि देखिए बारिश होगी, टॉस बहुत इंपैक्टफुल होगा ललित, यहां पर सोचना होगा, क्योंकि देखिए पिछले कुछ मैचों से अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि टॉस बहुत की फैक्टर है। आपको पता है कि अगर आप टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करो, एक अच्छा स्कोर खड़ा करो 200-225 रनों का, क्योंकि बेंगलुरु के पास भी वो टैलेंट है, और इवन अगर हम चेन्नई की बात करें तो उनके पास भी टैलेंट है। तो यानी आज आपको बल्ले और गेंद दोनों के बीच में ना दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा ललित। और वाकई आज अगर इंद्र देवता मेहरबान रहते हैं हम टीमों पर, फैंस पर, हम पर, आप पर, तो हम कहें कि आज आपका जो शनिवार है ना, जो बहुत शानदार बनने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें दमदार हैं, बेजुदार हैं और दमखम इनके पास है। तो अब जो जीतेगा उसके लिए आगे का रास्ता साफ होगा, तो जो टीम हारेगी उसे अब भगवान पर दुआ करना होगा, भरोसा रखना होगा, तभी कुछ उनका हो सकता है। जी, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि एक टीम, वैसे भी जब होम ग्राउंड में आप खेलें तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है, जोश थोड़ा ज्यादा होता है, पर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो चेन्नई के खाते में ज्यादा बेहतर जाता हुआ नजर आता है। इन सब के बीच क्या लगता है अमृत आपको? मतलब ये तो बिल्कुल वॉरियर्स टाइप सिचुएशन। अमृत, ललित आप सही कह रहे हैं। देखिए इस खेल की खूबसूरती यही है कि आपको लड़ना होता है। 20 ओवर आपको मिलते हैं आपकी बल्लेबाजी के, 20 ओवर मिलते हैं आपको गेंदबाजी के, यानी 40 ओवर में अगर आप पहली गेंद से और आखिरी गेंद तक आपके पास गेंद प्लानिंग होता है। देखिए MS धोनी की कप्तानी में ना हम क्यूज रेस के बहुत आगे बढ़ी, क्योंकि उनके पास प्लान ABCD तक रहता था। तो आपको कई सारे प्लान्स लेके जाने पड़ते हैं, अगर कोई गेंदबाज शुरुआती झटके नहीं निकाल पाया तो प्लान बी क्या होना चाहिए, कैसे कोई बल्लेबाज को आउट करना है, कैसे किसी रोकना है, किस डेथ ओवर में कैसे गेंदबाजी करनी होती है। तो मैं कहूंगा कि आज बहुत दिलचस्प मुकाबला कप्तानों की कप्तानी का भी देखने को मिलेगा। इंद्र देवता मेहरबान रहे तो एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। चेन्नई की पिच की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी दिखाया ललित, काफी बल्लेबाजी के माकूल पिच है, तो इस पिच पर विराट कोहली का रन जमे, शिवम दुबे आए वो रन बनाए, ऋतुराज गायकवाड़ आए वो रन बनाए, तो कहेंगे ओवरऑल एक सुपर पैक बड़ा मुकाबला, धमाकेदार मुकाबला हमारा और आपका इंतजार कर रहा है। दुआ बस इंद्र देवता की करनी है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट मेरे पास आई है ललित, जो हमने बताया भी है अपने रिपोर्ट में, बादल छाए रहेंगे पूरे मैच के दौरान और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो इसमें अब ये देखना है कि हल्की बूंदाबांदी कितनी होती है, मैच को कितना इम्पैक्ट डालता है उसके ऊपर, लेकिन फिलहाल स्थिति साफ है, मुकाबला टाइम से शुरू हो सकता है, ऐसी जानकारी हमारे पास है। बहुत